हे गाइस वेलकम बैक टू विगत। आज हम गाइस बात करनी है कैसे आप लोग अपनी फ्री फायर का आईडी के अंदर स्पेशल एयरड्रॉप ला सकते हो। जी गाइस, अगर आपको स्पेशल एयरड्रॉप चाहिए, आपका आईडी के अंदर अगर स्पेशल एयरड्रॉप वगैरह नहीं आ रहा है, चाहे 9 रुपीज़ का हो या फिर 29 रुपीज़ का या फिर जितने भी रुपीज़ का हो, मतलब कम से कम रुपीज़ का अगर आपको स्पेशल एयरड्रॉप चाहिए, डायमंड्स वगैरह आप लोग लेना चाहते हो कम से कम रुपीज़ से, तो कैसे ले सकते हो, कैसे स्पेशल एयरड्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हो अपने आईडी के अंदर, जानना है तो इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को सभी तक लाइक किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर एक बेल के निशान पर सेट कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गाइस सबको पता होगा स्पेशल एयरड्रॉप एक तरीके का नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके का होता है एंड अलग अलग मतलब उसका प्राइस भी रहता है। सबसे पहले 9 रुपीज़ का एक स्पेशल एयरड्रॉप मिलता है जिसमें आपको लगभग 100 डायमंड या फिर कभी कभी 200 डायमंड मिलते हैं एंड कभी कभी बंडल वगैरह भी आ जाते हैं, कभी कभी इमोट वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये जो है 9 रुपीज़ का स्पेशल एयरड्रॉप है, मतलब सबसे कम रुपीज़ का है, मतलब इसको आप लोग डेफिनेटली आप लोग बाय कर सकते हो एंड ज़्यादातर लोग मतलब 9 रुपीज़ का या फिर 29 रुपीज़ का इसका ही पीछे भागते हैं। एंड इसके अलावा आता है 29 रुपीज़ के स्पेशल लैपटॉप जिसके अंदर आपको लगभग पे कभी कभी 300 डायमंड या फिर कभी कभी 200 कभी कभी 100 डायमंड, बाकी इसके अलावा डायमंड्स वगैरह इमोट वगैरह मिलते रहते हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे 9 रुपीज़ का एंड 29 रुपीज़ का पीछे ही भागता है, इससे ज़्यादा भी आता है लेकिन ज़्यादातर लोग उसको बाय नहीं करते। तो अगर आपको भी इन दोनों के अंदर ही मतलब परचेज करने, इन दोनों के अंदर ही स्पेशल लैपटॉप चाहिए 9 रुपीज़ का या फिर 29 रुपीज़ का, तो चलो बात करते हैं कैसे ला सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे 29 रुपीज़ का स्पेशल लैपटॉप आप लोग कैसे ला सकते हैं, उसके अंदर भी डिफरेंट आता है। लाइक अगर आपको 300 डायमंड वाला मतलब जो 29 रुपीज़ का आता है ना, उसके अंदर कभी कभी 300 डायमंड मिलते हैं एंड कभी कभी यहाँ पे 100-200 यहाँ पे डायमंड मिलते हैं। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले गाइस, अगर आपको फ्री के अंदर फ्री में डायमंड चाहिए, फ्री में रिडीम कोड चाहिए, पैसे वगैरह चाहिए, तो आपके लिए गाइस बहुत ही मस्त एक ऑफर आ चुका है आपके टाइम पे, जिसको आप लोग बहुत ही ईजिली क्लेम कर सकते हो। ऑफर को कैसे क्लेम करना है, कैसे फ्री में डायमंड मिलेगा, फ्री के तरफ से ऐसा क्या ऑफर है, अगर आपको जानना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको और एक वीडियो का लिंक मिलेगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसको जाके देख लेना। तो अगर आपको यहाँ पे 100-200 डायमंड वाला यहाँ पे स्पेशल एयरड्रॉप चाहिए 29 रुपीज़ का, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, मतलब कुछ अलग सा ट्रिक भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं। नॉर्मली इस तरह के स्पेशल एयरड्रॉप आ जाते हैं, बस आप लोग नॉर्मल गेम खेलो, जैसे आप लोग गेम खेलते हो ना वैसे ही गेम खेलो, आपके पास आ जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। बाकी बात करें कैसे आप लोग ज़्यादा डायमंड वाला स्पेशल एयरड्रॉप को ला सकते हो 29 रुपीज़ का, इसके बाद बात करेंगे कैसे 9 रुपीज़ का भी ला सकते हो। तो अगर आपको 29 रुपीज़ से 300 डायमंड चाहिए फिर 200 डायमंड चाहिए, तो अगर ज़्यादा डायमंड वाला स्पेशल एयरड्रॉप लाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको गाइस क्या करना है, आपका जो आईडी है ना, मतलब जो आप लोग गेम खेलते हो, आपका आईडी को थोड़ा सा आपको ऑफलाइन रखना पड़ेगा। जी, आपको ऑफलाइन रखना पड़ेगा, मतलब गेम को आपको नहीं खेल रहे। तो अगर आपको 29 रुपीज़ से लगभग 300 डायमंड या फिर 200 डायमंड चाहिए, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 7 दिन तक आपको गेम नहीं खेलना है, इससे कम भी खेल सकते हो, ऐसे कम भी मतलब कर सकते हो, तो 5 से लेकर 7 दिन तक आपको यहाँ पे गेम को नहीं खेलना है, गेम को नहीं छोड़ना है एंड दूसरे आईडी के अंदर आप लोग खेल सकते हो। लेकिन आपका जो मतलब जिस आईडी के अंदर आप लोग यहाँ पे चाहते हो, जिस आईडी के अंदर स्पेशल एयरड्रॉप चाहते हो, उस वाले आईडी के अंदर 5 से लेकर 7 दिन तक आपको गेम नहीं खेलना है, ऑफलाइन रहना है एंड उसके बाद जैसे आप लोग गेम खेलोगे ना, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट डे पे गेम खेलोगे 7 दिन बाद या फिर 8 दिन बाद या फिर 6 दिन बाद गेम खेलोगे, तो उसके बाद देखोगे आपके पास यहाँ पे स्पेशल एयरड्रॉप आ जाएगा एंड नहीं भी आएगा 1 दिन बाद आ जाएगा। पहले आपको मतलब थोड़ा महंगा वाला मिलेगा, आपको क्या करना है, महंगा वाला जो स्पेशल एयरड्रॉप आएगा ना उसको परचेस नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे 90 रुपीज़ का या फिर 80 रुपीज़ का या फिर 29 रुपीज़ में आपको कम डेमेंट मिले, तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आपको उसको परचेस नहीं करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें। आप लोग देखोगे 1-2 दिन बाद आपके पास ऐसे स्पेशल एयरड्रॉप आ जाएगा जिसके अंदर आपको यहाँ पे 29 रुपीज़ से या फिर उससे भी कम रुपीज लग सकते हैं, आपको ज़्यादा डायमंड मिले। तो अगर ज़्यादा पैसे वाले स्पेशल एयरड्रॉप आ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा मतलब वेट करो, उसको परचेस ना करो, कुछ दिन मतलब वेट करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, मतलब यहाँ पे 29 रुपीज़ में ज़्यादा आपको यहाँ पे डायमंड मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मेनली आपका जो आईडी है ना उसको ऑफलाइन रखना है, उसमें आपको गेम नहीं खेलना है। जिस वाले आईडी के अंदर आपको एयरड्रॉप चाहिए उसको थोड़ा सा ऑफलाइन रखो, आपके पास एयरड्रॉप वगैरह आ जाएगा। इसके बाद गाइस बात करें 9 रुपीज़ का स्पेशल एयरड्रॉप को आप लोग कैसे ला सकते हो, 9 रुपीज़ से कैसे स्पेशल एयरड्रॉप को बाय कर सकते हो। 9 रुपीज़ का स्पेशल एयरड्रॉप लाने के लिए भी आपको सेम तरीका, आपको ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। 9 रुपीज़ का स्पेशल एयरड्रॉप ज़्यादातर जो न्यू आईडी होता है ना, मतलब जो यहाँ पे मतलब न्यू आईडी होते हैं जो ज़्यादा दिन तक ऑफलाइन रहते हैं, जिनका लेवल वगैरह कम या फिर तो गेम के अंदर रैंक कम होते हैं, तो उनका आईडी पे ज़्यादा। तो 9 रुपीज़ का भी स्पेशल एयरड्रॉप के लिए आपको थोड़ा सा ऑफलाइन रहना है, मतलब गेम को थोड़ा सा नहीं खेलना है एंड यहाँ पे आपको 7 दिन तक वेट करने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 दिन आपको गेम को नहीं खेलना है, 2-3 दिन ना खेलो, फिर दोबारा बस 1 गेम खेलना है आपको, मतलब 1 से लेकर 2 गेम मैक्सिमम आप लोग खेल सकते हो, फिर दोबारा से आपको 1-2 दिन ऑफलाइन रहना है, मतलब दूसरे आईडी पे खेल सकते हो, लेकिन जिस आईडी पे आपको चाहिए, जिस आईडी पे आपको एयरड्रॉप चाहिए उस आईडी पे नहीं खेलना है। तो 1-2 दिन बाद आप लोग खेल सकते हो 1-2 गेम करके, फिर देखोगे कि आपके पास आ जाएगा 9 रुपीज़ का स्पेशल एयरड्रॉप। चाहो तो आप लोग न्यू आईडी पे क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर लेवल कम हो या फिर रैंक कम हो, फिर देखोगे कि उसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा आएगा, न्यू आईडी के अंदर ज़्यादा ज़्यादा स्पेशल एयरड्रॉप आता है, तो आप लोग यहाँ पे न्यू आईडी क्रिएट कर लेना, फिर वहाँ पे 1-2 दिन बाद जाकर आप लोग थोड़ा सा करके गेम खेलना, 1-2 मैच आप लोग खेलना, फिर वापस से आ जाना न्यू आईडी के अंदर, आपका मेन आईडी के अंदर। तो ऐसे देखोगे ना, मतलब
ऐसे करोगे तो न्यू आईडी के अंदर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा ज़्यादा स्पेशल एयरड्रॉप आएगा। फिर यहाँ पे आप लोग उसमें मतलब परचेज वगैरह करके उसमें डायमंड वगैरह कलेक्ट करके अपना मेन आईडी के अंदर गिफ्ट वगैरह कर सकते हो, तो ऐसे भी आप लोग ट्री अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से करके स्पेशल एयरड्रॉप लाया जाता है। मतलब अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा सा ऑफलाइन वगैरह रहना पड़ेगा। एंड ट्री क्या पे अगर आपका गेम का कोई सेटिंग वगैरह चाहो तो गेम के अंदर कोई ऐसा सेटिंग नहीं होता है जिससे आप लोग स्पेशल एयरड्रॉप ला सको, आपको थोड़ा सा ऑफलाइन वगैरह रहना पड़ेगा। आप लोग फ्री फायर का जो ऐप होता है ना उस पर आप लोग एक चीज कर सकते हो, फ्री फायर का सबसे पहले ऐप इन्फो में जाना एंड उसके बाद क्लियर कैश करके आपको ऑप्शन मिलेगा, आप लोग क्लियर कैश कर सकते हो। एंड ज़्यादा लोगों को बताओगे इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, तो क्लियर कैश करना फ्री फायर को थोड़ा सा, मतलब कभी कभी आप लोग क्लियर कैश कर सकते हो, क्लियर कैश करके आप लोग गेम को खेलना एंड इससे मतलब ज़्यादा मतलब आपका चांसेस बन जाएगा। एंड जब आप लोग मतलब कोई भी गेम खेलोगे ना ऑफलाइन रहने के बाद जब आप लोग गेम खेलोगे कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा किल करने का, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बोया करने का ट्राई करना, जिससे एयरड्रॉप आने का चांसेस एंड कम रुपीज़ से ज़्यादा डायमंड मिलेगा, चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके गाइस आप लोग कर सकते हो, बाकी मतलब जो भी कुछ था मैंने आपको बता दिया। तो बस इतना ही था गाइस, वीडियो पसंद हो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेक बेकर है उसको वापस ही करना। तो इस बार वीडियो के लिए इतना ही था, बाय, मिलते हैं टैक्स में।